किसान भाइयों नमस्कार। आज हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में जिक्र करेंगे। टिश्यू कल्चर जो प्लांट्स लोग बोलते हैं, कुछ फार्म हाउस बोलते हैं या लेबोरेटरीज बोलती हैं कि हमें टिश्यू कल्चर प्लांट्स को लगाना चाहिए, या आउटसाइड की प्लांट्स जो या सीड से जर्मिनेट करते हैं या लेयरिंग से ज़रिए से या प्लांट्स को प्रोपोगेट करते हैं, उनमें और हमारे टिश्यू कल्चर के प्लांट में क्या डिफरेंट है, टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है, इसके बारे में कुछ राय रखना चाहेंगे। और बहुत सारी वेराइटियाँ हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। बनाना के अलावा भी हमारे पास बम्बू है, बांस का टीक है, सागौन का टिश्यू कल्चर हम करते हैं, लेमन का है, और बहुत सारी वेराइटियाँ हैं जो किसान भाई आप सब देख सकते हैं। और जिन किसान भाइयों को टिश्यू कल्चर की प्लांट्स रिक्वायर हैं वो हमसे आके संपर्क कर सकते हैं, बाबा बीज भंडार पे आके संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले किसान भाई आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या है। टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम आउटसाइड की जो भी विभिन्न प्रकार की जो वेराइटियाँ हैं, चाहे आर्नामेंटल प्लांट हो या फ्रूट्स हो या वुडी क्रॉप्स हैं, उनका एक्स प्लांट लिया जाता है। किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट को हम उसको ले करके लैब में अपने ले कर आते हैं। उसमें आर्टिफिशियल तरीके से हमारे पास न्यूट्रिएंट मीडिया होता है जिसमें हम उस प्लांट को एक उचित क्लाइमेट पर उसको प्रोपोगेट करते हैं। और उसमें विभिन्न स्टेजें होती हैं जिन स्टेजों में हमें चेक किया जाता है कि इसमें क्या कोई डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है या इसकी जीन फिडेलिटी टेस्ट में क्या है। तो हम जो है इनका टेस्टिंग करते हैं, जीन से हमें ये पता चलता है कि जीन फिडेलिटी टेस्ट से ये पता चलता है कि क्या जो वेराइटी आप ले रहे हैं क्या एक्यूरेट वही उसी फैमिली के अंतर्गत है या नहीं है। तो हम लेमन हो, बम्बू हो, बनाना हो, टीक है, जो भी है, हम सारे प्लांटों को डिजीज़ फ्री करते हैं। उसके बाद फिर प्लांटों का प्राइमरी हार्डनिंग किया जाता है, फिर आप सब तक पहुँचाया जाता है। किसान भाई आप सब देख सकते हैं, ये एक हमारा बनाना के अलावा जो एक वेराइटी बम्बू है बांस का, इनका हम टिश्यू कल्चर किए हुए हैं। आप सब किसान भाई इसको देख सकते हैं। और जिन किसान भाइयों को बम्बू प्लांट्स रिक्वायर है कृपया संपर्क करें। और किसान भाई हमारा नेक्स्ट जो प्लान है बनाना के अलावा, ये टीक का प्लांट है, आप सब देख सकते हैं, टीक प्लांट, सागौन का पौधा है जिसको हम प्राइमरी हार्डनिंग करने के बाद आप सब तक पहुँचाएँगे। हम आप सब किसान भाइयों के बताना चाहेंगे, जो भी प्लांट्स आप हमसे लेते हैं हम एकदम प्योरिटी और एक्यूरेट प्लांट्स आपको देंगे। ये है हमारे प्लांट्स और बहुत सारी वेराइटियाँ हैं हमारे पास जो हम आप सबको प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार।